हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञा इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम बात करेंगे कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स और स्टैंडअलोन रिजल्ट्स में क्या डिफरेंस होता है। ये जो दो टर्मिनोलॉजीज है वो बहुत बार आप लोगों ने सुनी होगी, बट उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होता है, क्योंकि बहुत बार जब हम एनालिसिस करते हैं, ऑनलाइन डेटा जब हम देखते हैं, तो ये दोनों टर्म्स हम मिक्सअप कर देते हैं। और जब कोई आप न्यूज चैनल पे देख रहे हो या फिर न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हो, तो बहुत बार वहां पे कुछ मेंशन किया नहीं होता है। और आप अगर ऑनलाइन वो नंबर्स देख रहे हो और जो नंबर्स आप लोगों ने न्यूज चैनल या फिर न्यूज़पेपर्स में देखे होते हैं वो अलग होते हैं, तो कंफ्यूज हो जाते हैं हम, क्योंकि काफी ज्यादा डिफरेंस होता है दोनों नंबर्स में। तो ये एग्जैक्टली होता क्या है, ये इस वीडियो में समझाने की कोशिश हम करेंगे दोस्तों। सो जैसे कि ये दोनों टर्मिनोलॉजी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, कंसोलिडेटेड एंड स्टैंड अलोन। सो ये मतलब क्या होता है, अभी इसको एग्जांपल के साथ शुरू करते हैं। तो L&T ये कंपनी पे हम छोटा सा एनालिसिस करेंगे इसके लिए, बाद में HDFC का भी एक एग्जांपल देंगे आप लोगों को। तो L&T की जो सब्सिडरीज है, जैसे कि L&T टेक्नोलॉजीज हुआ या फिर L&T इन्फोटेक हुआ या इनके जो रोड्स वगैरह के प्रोजेक्ट्स है या फिर फ्लाईओवर्स वगैरह के, तो अलग अलग सब्सिडरीज बनाते हैं वो। तो कुछ कुछ पब्लिक लिमिटेड होती है, कुछ कुछ प्राइवेट लिमिटेड भी होती है, बट L&T का एक कोर मेन बिजनेस है और दूसरे ये सब्सिडरीज अलग अलग बनाए जाते हैं। तो मेन जो कोर बिजनेस है एज एन L&T एज एन कंपनी, जो उसी कंपनी के अंडर रिपोर्टिंग होती है सारे रिजल्ट्स की या बिजनेसेस की, वो स्टैंडअलोन बिजनेस है L&T का। बट उसकी जो सब्सिडरीज होती है अलग 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 अलग, तो वहां से जो बिजनेस आता है और फिर सारी चीजें एडअप हो जाती है, तो उसे कंसोलिडेटेड बिजनेस कहा जाता है। तो नॉर्मली ये देखना बहुत जरूरी होता है आप लोगों के लिए कि ये नंबर्स क्या होते हैं। अभी मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं L&T का। सो पहले मैं अगर कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स बताऊं आपको, तो सितंबर क्वार्टर में जो सेल्स का फिगर आया है L&T का, कंसोलिडेटेड सारे बिजनेसेस को मिला के जो नंबर आया है वो है 35,328 करोड़ रुपीज का। ये इनका कंसोलिडेटेड रेवेन्यू है, यानी कि सेल्स है। और जो नेट प्रॉफिट आया है वो है अराउंड 2,527 करोड़ रुपीज का। तो यही दो नंबर अगर मैं स्टैंडअलोन बिजनेस के साथ कंपेयर करता हूं, L&T का जो स्टैंडअलोन बिजनेस है वो 18,752 करोड़ रुपीज का रेवेन्यू यानी कि सेल्स है, एंड 1,984 करोड़ रुपीज ये नेट प्रॉफिट है। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा डिफरेंस दोनों नंबर्स में है, और यही चीज आप लोगों ने अच्छे से देखनी चाहिए, क्योंकि जो ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन या फिर अर्निंग्स पर शेयर, ये जो कैलकुलेशंस होते हैं, इसमें ये सारी चीजें बहुत चेंज हो जाती है। इवन रिटर्न ऑन इक्विटी या फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये नंबर्स भी आप लोगों को कंफ्यूज कर सकते हैं। L&T एज अ बिजनेस, इसका जो एक मेथड, मतलब एक बिजनेस करने का तरीका है, कि एग्जाम्पल L&T को एक बहुत बड़ा रोड का प्रोजेक्ट मिला है, तो बहुत बार L&T ये करता है, रादर देन टेकिंग दैट पर्टिकुलर जो बिजनेस, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मेन बिजनेस में लेने के जगह पे L&T एक SPV यानी कि स्पेशल पर्पस व्हीकल फॉर्म करता है या फिर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म करता है, और उसके अंडर वो बिजनेस को कंप्लीटली मैनेज किया जाता है, ताकि उसके जो अकाउंट्स वगैरह है वो कंप्लीटली अलग रखे जाए और वो मिक्सअप ना हो मेन बिजनेस के साथ। तो ये बहुत बार एक एडवांटेजेस भी होती है सिचुएशन। बहुत बार इनके जॉइंट वेंचर्स होते हैं, तो जॉइंट वेंचर में रादर देन पेरेंट कंपनी के साथ वो टाइप करने की जगह पेरेंट कंपनी एक सब्सिडरी कंपनी फॉर्म करती है, और उस सब्सिडरी कंपनी के साथ वो जो दूसरी कंपनी है वो जॉइंट वेंचर करती है, एंड देन दे डू दैट बिजनेस, और इसीलिए ये अलग कंप्लीटली सिस्टम बनाया जाता है। तो ये आप लोगों ने समझना चाहिए कि ये क्यों किया जाता है। सो नॉर्मली बहुत सारी सब्सिडरीज होती है, कुछ कुछ कंपनीज की तो हमने देखी हुई है कि मोर देन 1,000 भी सब्सिडरीज होती है इनकी प्राइवेट लिमिटेड फर्म्स, क्योंकि इतने नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स इनको मिलते जाते हैं। तो ये हम आशा करते हैं कि ये दोनों नंबर आप लोगों को समझ गए होंगे। ये बिजनेस रिलेटेड हुआ। अभी कुछ कुछ कंपनी जो है HDFC लिमिटेड जैसी कंपनीज, उसकी जो सब्सिडरीज है वैसे देखा जाएगा तो डायरेक्टली बिजनेस में इंटरवेंशन नहीं है, जैसे कि HDFC बैंक हुआ या फिर HDFC लाइफ हुआ या फिर HDFC AMC हुआ, ये अलग अलग तरीके से
प्रॉपरली लिस्टेड कंपनीज है, अपना बिजनेस अलग तरीके से कर रहे हैं। नॉर्मली एक एचडीएफसी बैंक छोड़ा जहां पे एचडीएफसी लिमिटेड को लोन सोर्स होते हैं, तो एचडीएफसी लाइफ और एचडीएफसी एएमसी में ऐसा कोई इंटरवेंशन नहीं है, तो ये अलग अलग तरीके से मैनेज की जाती है। तो ये होल्डिंग कंपनीज है, होल्डिंग एचडीएफसी लिमिटेड एज एन होल्डिंग कंपनी इनमें मतलब इन्वेस्टमेंट रखे हैं, वो सब्सिडरीज है उनके, बट बिजनेस ऑपरेशंस में ज्यादा कुछ इंटरवेंशन नहीं किया जाता। विजाविज एलएनटी वहां पे थोड़ा सा इंटरवेंशन होता है क्योंकि कोर्स कॉम्पिटेंसी उसी एरियाज में है, तो बस अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वो अलग अलग रखने की कोशिश करते हैं। तो एचडीएफसी लिमिटेड और एलएनटी ये दो एग्जांपल्स है, आइडियल एग्जांपल्स है कि कंसोलिडेटेड एंड स्टैंड अलोन में आपने कैसे देखना चाहिए। सो नॉर्मली अगर आप एलएनटी जैसी कंपनी को एनालाइज कर रहे हो जहां पे पेरेंट कंपनी का अच्छा खासा इंटरवेंशन मैनेजमेंट में भी होता है, तो वहां कंसोलिडेटेड नंबर्स ही आप लोगों ने देखने चाहिए, तो वहां आपने स्टैंडअलोन नंबर्स नहीं देखने चाहिए। तो ये रहा एलएनटी का एग्जांपल। बट जहां एचडीएफसी लिमिटेड जैसी कंपनीज है जहां मेजॉरिटी ऑफ द ओनर जो होल्डिंग के हिसाब से ही कंपनीज मैनेज होती है, जैसे कि एचडीएफसी लिमिटेड इन एचडीएफसी एएमसी और एचडीएफसी लाइफ और एचडीएफसी बैंक, तो वहां आप लोगों ने एचडीएफसी लिमिटेड का जो बिजनेस एनालिसिस करना चाहिए वो मैक्सिमम स्टैंडअलोन नंबर्स पे करना चाहिए रादर देन कंसोलिडेटेड नंबर्स पे आप लोगों ने करना चाहिए। तो ये हम आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ गया होगा ओवरऑल कि ये किस तरीके से आपने ये नंबर्स को एनालाइज करना चाहिए दोस्तों। तो ये दो एग्जांपल्स काफी आइडियल एग्जांपल्स है, एलएनटी एंड एचडीएफसी लिमिटेड। ये दोनों कंपनीज के डिटेल्ड एनालिसिस हमने ऑलरेडी हमारी स्टॉक सब्सक्राइबर्स के लिए बनाया हुआ है, तो जरूर विजिट कीजिएगा investorindia.in, वहां पे आप लोगों को इनके डिटेल्ड एनालिसिस पता चलेंगे, फिर आपको ये भी आइडिया आएगा कि ये स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड बिजनेस का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। स्पेसिफिकली जब आप हमारा एलएनटी का डिटेल्ड एनालिसिस देखोगे उसमें बहुत ही अच्छे से ये सारी चीजें समझाई गई है, तो हम आशा करते हैं कि आप लोग इन वीडियोस का लाभ उठाएंगे बाय जॉइनिंग आवर स्टॉक सब्सक्रिप्शन। तो जरूर investorindia.in को विजिट कीजिएगा दोस्तों। तो ऐसे वीडियोस के लिए हमारा चैनल देखते रहिए दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।